हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जितने भी मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल के स्टूडेंट थे, इन्हें इंतजार था इनके रिजल्ट का प्लस इनके एडमिशन का। तो दोस्तों, रिजल्ट की बात करूँ तो काफी स्टूडेंट का रिजल्ट लग चुका है, जैसे कि एफ वाई बी कॉम एफ वाई बी ए, एस वाई बी कॉम एस वाई बी ए, और कल ही के दिन टी वाई बी कॉम और टी वाई बी ए का रिजल्ट लग चुका है। मुंबई यूनिवर्सिटी के इस पोर्टल पे अपडेट नहीं आया है, वो दूसरे पोर्टल पे, दूसरे वेबसाइट पे इस पे है। मैंने पूरा टेलीग्राम पे उसके रिलेटेड वीडियो बना के शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है, साथ ही साथ मैंने उस रिजल्ट के पीडीएफ ओनली टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। टी वाई बी कॉम का जो मेरा सेशन है टी वाई स्टूडेंट के लिए, बस अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल पे अगर लिंक जो है और सूरज पटेल एजुकेशन पे इस पे भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, तो आप जाके वहां भी देख सकते हो। तो अब इस वीडियो में इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि आपका रिजल्ट आ चुका है, तो अब बात करते हैं एडमिशन को लेके। बट टीवाई के बीकॉम एमकॉम में जाएंगे या कोई एसवाई का स्टूडेंट है एफवाई का स्टूडेंट है तो वो एसवाई में जाएगा, एसवाई का टीवाई में जाएगा, चाहे वो बीकॉम हो या बीए का हो। दोस्तों, किन किन स्टूडेंट का एडमिशन चालू हो चुका है, जिनका नहीं चालू हुआ है वो कब होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट की बात करेंगे, चाहे वो एमकॉम पार्ट वन हो, एमए पार्ट वन हो, एमकॉम पार्ट टू हो, एमए पार्ट टू, सभी की बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, बिकॉज हर अपडेट विद पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। दोस्तों, देखते हैं कि इधर टी वाई बी ए, टी वाई बी कॉम और टी वाई बी एस सी आई टी एनुअल पैटर्न के स्टूडेंट का एडमिशन डेट 5 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक चालू होगा। तो दोस्तों, अगर कोई आज जाके एडमिशन करवाता है तो चालू नहीं होगा, क्योंकि आज तो 31 जुलाई है, 5 अगस्त से चालू होने वाला है और 31 अगस्त तक का टाइम है, मतलब 25-26 दिन का टाइम है, बहुत टाइम है, आराम से करना। 5 तारीख को लेके सभी लोग बैठ मत जाना, नहीं तो सर्वर डाउन हो जाएगा। तो आराम से 10 तारीख, 15 तारीख या 8-9 तारीख को आप जाके फॉर्म फिलअप का प्रोसेस कर लेना। देन दोस्तों, उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। इन स्टूडेंट का भी दोस्तों सेम तारीख है, 5 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक का दोस्तों। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि एम ए पार्ट टू हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश या एम कॉम, एम ए पार्ट टू एजुकेशन, एम कॉम पार्ट टू एनुअल पैटर्न, इन सभी के स्टूडेंट का जो एडमिशन डेट है विल बी डिक्लेयर इन सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। जो मैं काफी टाइम से आप लोगों को बोल रहा था कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक का आपका रिजल्ट भी लग जाएगा, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, और उस समय तक आपका एडमिशन भी चालू हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों एमएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के सेमेस्टर पैटर्न का, इनका भी साथ ही साथ बहुत जल्दी सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक डिक्लेयर हो जाएगा। अब एमसीए पार्ट टू सेमिस्टर थर्ड एंड सिक्स मैथमेटिक्स आई टी सीबीसी पैटर्न की बात है, फिर एस वाई बी एस वाई बी कॉम एस वाई बी एस सी आई टी थर्ड सेवन सीबीसी पैटर्न के स्टूडेंट को लेके बात कर रहे हैं। इनका जो भी एडमिशन डेट है डिक्लेयर किया जाएगा आफ्टर रिजल्ट ऑफ सेकेंड सेमिस्टर, मतलब सेकेंड सेमिस्टर का रिजल्ट लग जाएगा, उसके बाद ही इसका डिक्लेयर होगा। और इनका लिंक विंक दिया हुआ है दोस्तों, मोर डिटेल के लिए मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए इसे वेबसाइट पे डाल दूंगा, तो आप इजिली देख सकते हो इसके पूरे डिटेल। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, हर अपडेट आपको वहां मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।